नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है टेलीविज़न दिवस पर। इस चर्चा में हमारे साथ आज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रार मैम प्रोफेसर सारिका शर्मा हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो रही हैं। नमस्कार मैम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा में हम जानेंगे भारत में टेलीविज़न की भूमिका, शिक्षा में टेलीविज़न का योगदान और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय टेलीविज़न के शिक्षा में योगदान को किस प्रकार देखता है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज भारत में टेलीविज़न को लगभग 80 साल हो चुके हैं स्थापना से अब तक। आप टेलीविज़न के मौजूदा रूप और इसके भविष्य को कैसे देखते हैं? ये एक हर्ष का ही विषय है कि हम टेलीविज़न के 80 वर्ष पूरे होने पर हम उसको एक उसके ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारा एक आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है भारत सरकार का, जिसके अंतर्गत 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे हुए। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने प्रगति की है और आगे उसका क्या टारगेट है। तो इसी श्रृंखला में जो टेलीविज़न का अपना एक अपना भविष्य है, एक अपना इतिहास है। सन 80 वर्ष पहले ये टेलीविज़न की भारत में स्थापना हुई और हमारा कलर टेलीविज़न तो बाद में आया था, उससे पहले हमारा ब्लैक एंड वाइट आया और वो भी शायद एक ही घंटे के लिए शुरू हुआ था। उसमें दूरदर्शन हमारा सबसे पहले आया, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में था कि देश भर में जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसको अब हमने किस तरह से टेलीविज़न के थ्रू दिखाना शुरू किया। पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया ही थी, हमारे अखबार थे जिसके माध्यम से हम सूचनाएं देते थे। तो इन 80 वर्षों में टेलीविज़न ने एक अपना स्थान, अपना एक मुकाम हासिल किया। सन 1965 में कलर टेलीविज़न भी आया, कलर स्क्रीन पर देखना शुरू किया। मेरे ख्याल से 1982 में कलर टेलीविज़न का आया था। तो भारत में जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, शुरुआत इसकी कुछ एक दो न्यूज़ और एक आध कार्यक्रम से हुई थी, जिसमें एक कृषि विज्ञान पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आता था जिसे कहते थे कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के साथ साथ उन्होंने कुछ एजुकेशन के, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 7th-8th से लेके क्लास 12th तक के बच्चों को भी कुछ एक चैनल उन्होंने शुरू किए थे। यही एक शुरुआत थी जो सांस्कृतिक या अदर एंटरटेनमेंट कार्यक्रम के अलावा शिक्षा जगत में टेलीविज़न का अपना एक स्थान रहा। तो इन 80 वर्षों में उसने एक लंबा सफ़र तय किया है। मैं ये कहूँगी कि आज के समय में ना सिर्फ कृषि दर्शन ही आता है बल्कि हर क्षेत्र में टेलीविज़न ने अपना एक स्थान लिया है, जिसमें शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वो अलग अलग चैनल के माध्यम से हम शिक्षा में उतरे हुए हैं और अलग अलग जैसे प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सभी से रिलेटेड हम उन अपने देशवासियों को और पूरे ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे विश्व के लोग ही उसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा दूरदर्शन आया और उसके बाद में बहुत सारे प्राइवेट पब्लिशर्स भी आए, प्राइवेट जिनको हम प्रोडक्शन सेंटर्स आए, जिन्होंने अपनी अपनी प्रोडक्शन करी और प्राइवेट पब्लिशर्स ने उन प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ में भी हाथ मिलाया ताकि जो उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं, उनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उनको भी किस तरह से हम दूरदर्शन के माध्यम से दिखा सकें। जी मैम, आपने बहुत विस्तृत रूप में बताया किस प्रकार से भारत में टेलीविज़न की भूमिका रही। मैम, अगर हम विश्व पटल पर देखें तो भारतीय टेलीविज़न कंटेंट और प्रोडक्शन से संबंधित विश्व में दूसरे चैनल से किस प्रकार अलग आपको समझ में आता है? भारत चूंकि एक विविधता वाला देश है, इसमें बहुत तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा वाले लोग रहते हैं, तो वे हमारे जो चैनल्स हैं वो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश मीडियम में नहीं हैं, हमारे चैनल अलग अलग भाषाओं में भी हैं। और हमारे चैनल जो हैं उसमें, जैसे मैं न्यूज़ देखती हूँ दूरदर्शन पे, तो उसमें ना सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में बताते हैं बल्कि मूक बधिर के लिए भी वो एक साइड में उसका पूरा रिफ्लेक्शन देते हैं ताकि उनको भी इससे फैसिलिटेट हो सके।
पूरे विश्व में अगर हम देखें अपनी स्थिति इस दूरदर्शन की, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ हम सांस्कृतिक सभ्यता को मिला करके हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ शिक्षा जगत के कार्यक्रम हैं जो डायरेक्ट थ्योरी बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, लेकिन हमने ये भी देखा है इसमें कि किस तरह से वो जो उदाहरणों को लेते हैं वो हमारी संस्कृति का रिफ्लेक्शन देते हैं। अगर मैथमेटिक्स भी बताना है तो हम कोई टॉम का एग्जांपल देंगे कि उसमें किस तरह का उसका सिस्टम था, या कोई सिविल इंजीनियरिंग भी है तो उसमें हम बताते हैं कि सिंगल टॉम फिर डबल टॉम क्या होता है, जिससे कि वो हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अपनी सभ्यता या संस्कृति या अपने कल्चर को लेकर के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, जो हम देखते हैं कि इसी वजह से हमारे चैनल हमारे देश में ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी चीज़ अपने ही देश के वासियों के पहले काम आए और फिर विश्व स्तर पे काम आए। तो अगर वे हमारे देशवासियों के काम नहीं आएंगे और विश्व स्तर पे काम आएंगे तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर का कोई मायने नहीं है। मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, ये मेरा अपना व्यू है कि जिस तरह से हर तरह के क्षेत्र, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट हो या पिक्चर्स हो, जो हमारे हॉलीवुड या बॉलीवुड वाले आते हैं हम उन्हें देखते हैं, तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे उसमें हमारी ही संस्कृति और सभ्यता की झलक आती है, जिसे सिर्फ हमारा ये देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसको पसंद किया जाता है और उसको देखा जाता है। कहीं कहीं पर हमारे जो है एक इसका उत्सव भी मनाया जाता है, टेलीविज़न के जो कार्यक्रम आ रहे हैं और जो फीचर फिल्म्स आती हैं तो उसका भी एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें फिर अवार्ड वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है, ये एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ है भारत सरकार ने और हमारे दूरदर्शन ने। जी मैम, मैम टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के साथ बड़े घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इस व्यवसाय से जुड़ रही हैं, आपके अनुसार इसके भविष्य में क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं? देखिए, ये तो कंपटीशन का टाइम है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसके ऊपर एक भारत सरकार का नियंत्रण रहेगा और प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्स नहीं आ सकते। आजकल तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत चला हुआ है, उनके ऊपर भी अपने जो सरकारी नियम होते हैं वे सारे लागू होते हैं और हर किसी को हर क्षेत्र में उतरने का पूरा अधिकार भी है, हक भी है, और वो अपने हिसाब से करते हैं। इससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारे सरकारी क्षेत्र हैं और जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं वो आपस में कंपटीशन की भावना से, एक पॉजिटिव कंपटीशन की भावना से कार्य करते हैं और एक अच्छे से अच्छा आपके सामने जो है उत्पादन रखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, अभी हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पर सारे जो एजुकेशन के मूक्स डेवलप होते हैं वो आते हैं, हम उसको अपने टेलीविज़न से भी लिंक कर सकते हैं। मैं आज कह रही हूँ तो कभी ना कभी कुछ समय में ये बात आगे जाती है और प्राइवेट पब्लिशर्स क्या करेंगे या जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं वो क्या करेंगे कि स्वयं के जो कोर्सेज हैं उसी की तरह से ही और कोर्सेज डेवलप करा के और दूरदर्शन में दिखा सकते हैं या टीवी के अलग अलग चैनल्स में दिखा सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हमारे गवर्नमेंट के नहीं हैं लेकिन जो प्राइवेट हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन की भावना भी आती है लोगों के अंदर और जो एथिक्स है इसका उसको वो पूरी तरह से मेंटेन करते हैं। हमारी मेन चीज़ ये होती है कि वो हमारे रूल्स, हमारे एथिक्स को फॉलो करें, हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ ना करें, यही हमारी मेन चीज़ है। बाकी तो सभी का अपना हक है और एक कंपटीशन के टाइम में कंपटीशन की, पॉजिटिव कंपटीशन की भावना बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आगे बढ़े। जी मैम, मैम आज के समय में क्योंकि मीडिया एक व्यवसाय बन गया है, टेलीविज़न में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत से बड़े घराने अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ प्रोडक्ट एंड कस्टमर दर्शकों को जुटाने की होड़ सी लग गई है, तो वो दिन प्रतिदिन कई प्रकार के कंटेंट प्रोडक्शन और घटनाओं को लेकर प्रयास करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है मैम?
ये एक अच्छा सवाल है और दर्शक उसी जगह जाते हैं जहाँ उनके मन की चीज़ मिलती है। जी मैम, हमारे पास कोई एक तरह का दर्शक नहीं है, हमारे पास छात्र हैं, हमारे पास शिक्षक हैं और हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए जो लेडीज़ हैं जो हाउस में रहती हैं या बिजनेस वाले हैं, तो इन सभी से रिलेटेड हमारे पास कार्यक्रम होते हैं और होने चाहिए। हम एक सभी दर्शकों को एक साथ टारगेट कभी भी नहीं कर सकते किसी एक कार्यक्रम के लिए, और हम जो है अलग अलग तरह के कार्यक्रम के लिए अलग अलग सेक्टर के लोगों को टारगेट करते हैं। तो अगर हमारा प्रोग्राम क्वालिटी हो, फुल ऑफ एथिक्स हो और इसके अलावा कंटेंट से रिच हो, तो अगर इन तीन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं या कोई भी प्रोडक्शन सेंटर ध्यान रखता है, तो निश्चित तौर पे कि उसका टारगेट जो ग्रुप है, जो मान लो छात्र है, तो मान लो टीचर है, मान लो कोई प्रोडक्शन कर रहा है किसी, जैसे खाना बनाने की भी अलग अलग विधियाँ दिखाते हैं इसमें, तो वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हमारा मतलब एथिक्स हो और अपडेटेड नॉलेज हो, अपडेटेड नॉलेज सभी को चाहिए, सबको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए ही हम लोग टीवी के न्यूज़ खोलते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को देखते हैं। तो अपडेटेड रहने का, जैसे कि कोई पिक्चर रिलीज हुई तो सभी सोचते हैं ना कि पहला शो ही देखा जाए, जबकि पहला देखो या दूसरा देखो बात तो वही है, लेकिन जो बात एक पहले की होती है मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तो जो भी चैनल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम होता है उसी की तरफ हमारे दर्शक आकर्षित होते हैं। जी मैम, जी मैम, इसके साथ ही कंटेंट के साथ साथ तकनीक में भी बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं, तो आज के समय में मॉडर्न टेलीविज़न की क्या आवश्यकता है? टेक्निक से रिलेटेड तो मैं यही कह सकती हूँ कि जैसे हमारा ये विश्वविद्यालय है, जी मैम, अब DTH के 32 चैनल्स आए, तो 32 चैनल्स को दिखाएं कैसे, तो हमने एक रूम इसके लिए एलोकेट कर दिया। अब उस रूम में पूरी व्यवस्था है कि बच्चे आएं और उस कार्यक्रम को देखें, DTH चैनल के जो 32 चैनल्स है। तो ये एक टीचर का रोल हो जाता है कि वो उसका टाइम टेबल एक बनाए क्लास में और उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाए। तो ये टेक्नोलॉजी है कि टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से अपने टारगेट ग्रुप की तरफ पहुँचाए। अगर एजुकेशन का चैनल है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की या स्कूल्स की ड्यूटी बन जाती है, और उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा, जो उनके फंड्स होते हैं उससे ही उनको ये एलोकेट करना होगा अपने फंड्स, तभी हम उस टेक्निक्स को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम बेनिफिटेड भी हो सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो हमारी टेक्निक्स हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो भी व्यवहारिक होनी चाहिए। हमारा टारगेट ग्रुप बहुत ज़्यादा टीवी से प्रभावित होता है, घर में घुसते ही पहला काम होता है कि हमने टीवी ऑन कर लिया, अब उसमें कौन सा चैनल आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश की राइम्स दिखाते हैं तो वो इंग्लिश की ही राइम्स सीखेंगे, हिंदी की नहीं सीख सकते। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि कई जैसे एथिक्स की बात है, मैंने अभी एक चैनल में देखा था, उसमें छोटे बच्चे की राइम चल रही थी और वो राइम की प्रोडक्शन हमारी कंट्री से नहीं थी, किसी दूसरे कंट्री की थी प्रोडक्शन। तो उसमें उन्होंने सब तरह के बच्चे लिए, जो गोरे हैं, जो काले हैं, जो मोटे हैं, जो पतले हैं, मतलब उन्होंने पूरी एक समानता का की स्थापना की कि बच्चे के मन में देखते समय ये फील ना आए कि सिर्फ गोरे गोरे बच्चे या सुंदर सुंदर बच्चे ही इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो इन छोटी छोटी सी, ये सुनने में बहुत छोटी चीज़ लग रही है, लेकिन इसका असर, इसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक सभी के ऊपर रहता है। टेलीविज़न क्योंकि एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो इसमें न केवल जो कंटेंट दिखा रहे हैं बल्कि कैसा दिखा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, उससे बहुत कुछ सीखते हैं दर्शक। मैम, इसी के साथ ही एक प्रश्न है कि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी तकनीकें विकसित हो गई हैं, हर बच्चे के पास सबसे आसान में तो स्मार्टफोन ही है, वो सब चीज़ें उस पर देख सकते हैं, ऐसे में आपके अनुसार टेलीविज़न की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका है मैम, या फिर क्या भूमिका हो सकती है? शुरू से ही है टेलीविज़न की शिक्षा के क्षेत्र में। जी मैम, सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल्स के कुछ कार्यक्रम आने शुरू हुए थे जब नया नया दूरदर्शन आया था, मुझे तो ये अब तो याद नहीं है।
उसके बाद में फिर UGC के अपने चैनल्स आए, वो बहुत अच्छे होते थे, सुबह के समय आते थे, मैंने खुद देखे जब मैं छोटी थी। तो उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो एक प्रोफेसर पढ़ा रहे और बहुत ही रिच कंटेंट होता था उनका। और आज के समय में NCERT के अपने चैनल्स हैं, तो वो क्लास वाइज, कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल देते हैं और एक टीचर टीच करता है प्रॉपरली और उसको वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये एक एजुकेशन का है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अभी जो स्वयं पे बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उस तरह का भी कोई एक सिस्टम डेवलप हो जाए कि पर्टिकुलरली कोर्स हो जाए डेवलप। अगर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह से टेलीविजन पे आने वाला कोर्स कोई स्टूडेंट ऑप्ट करता है, जैसे हम स्वयं के कोर्सेज ऑप्ट करते हैं, तो कोई स्टूडेंट किसी शिक्षक की निगरानी में अगर कोई कोर्स ऑप्ट करता है और उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो, ऐसा कोई UGC का रूल बने कि क्रेडिट उसका भी ट्रांसफ़र हो, तो मुझे लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ सकती है। ये आइडिया मुझे बैठे बैठे ही आया अभी आपसे बातचीत करके। जी मैम, बहुत अच्छा है ये। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस प्रकार के कई प्रयोग भी किए गए हैं, कई बदलाव भी किए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं ऐसा कोई बदलाव भी जल्दी ही आएगा। मैम, इसके साथ ही हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में टेलीविज़न को लेकर क्या कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, शिक्षा में टेलीविज़न के योगदान को लेकर? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है और रिलेवेंट भी है, क्योंकि मैं इसमें बैठी हूँ। तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हमने एक तो DTH चैनल के लिए एक रूम बनाया हुआ है और हमारा ये जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अलग अलग समय में डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं हम और अलग अलग चीज़ों पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाने का मतलब सिर्फ रखना ही नहीं, एक ये एक शो केस होता है जिसमें हम अपने विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को YouTube पे, Facebook पे डालते हैं और जिससे कि ना सिर्फ हमारा पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व इसको देखता है कि किस तरह से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ और कितनी खूबसूरत ये एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। भविष्य में हम अपना भी एक चैनल खोल सकते हैं जिसमें कि या तो शुरू में हम पूरे 24 घंटे का नहीं तो एक घंटे का कोई समय अगर मिले तो, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई प्रपोजल भी नहीं है और उसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर उससे रिलेटेड भारत सरकार की तरफ से कोई फंड्स एलोकेट होते हैं और उसको हम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे उसको, क्योंकि जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट हमारा है यहाँ पे और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जी मैम। मैम, टेलीविज़न एक मिशन के साथ शुरू हुआ था जिसमें शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, हर मीडिया का मुख्य धारा में यही काम है। आपके अनुसार आज के समय में क्या टेलीविज़न अपने इस मैंडेट जो कि शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, इसको पूरा कर पा रहा है? हाँ बेशक, जो हमारा टेलीविज़न का मैंडेट है, शिक्षा है, सूचना है और मनोरंजन है, ये तीनों चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है और समय के साथ चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से पहले सेकेंडरी स्कूल, फिर UGC और अभी बहुत सारे चैनल शिक्षा के आ रहे हैं, DTH चैनल आ रहे हैं जिसमें अलग अलग स्टेट के आ रहे हैं, जैसे असम में आसामी लैंग्वेज के वीडियोज़ आते हैं या इंग्लिश में आते हैं, तो UP में UP के हिंदी लैंग्वेज के वीडियोज़ लेक्चर्स आ रहे हैं और अलग अलग क्लास के, मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक के जो हैं लेक्चर धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट में हम देखते हैं कि हर तरह के एंटरटेनमेंट आ रहे हैं, हर तरह के से, मतलब कि घरेलू महिलाओं के लिए आ रहे हैं तो पुरुषों के लिए आ रहे हैं, बच्चों के लिए आ रहे हैं, और ऐसे भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जो पूरा परिवार बैठ के देख सके, जिसमें कि किसी को भी बीच में उठ के ना जाना पड़े, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। तो दूरदर्शन ने इन सभी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। इसके अलावा जो सूचना देते हैं वो मैंने देखा कि दूरदर्शन में, और मेरा मानना भी ये है कि बिल्कुल सटीक न्यूज़ आती है समय समय पर, और जो करंट न्यूज़ तो ऑफकोर्स आएगी ही, लेकिन उसका पूरा कवरेज, मान लो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, या अभी इनकी जयंती थी लौह पुरुष की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसका पूरा कवरेज वो दिखाते हैं और इतने अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि डेडिकेटेड टाइम उसके लिए फिक्स हो जाता है जिसको वो कवरेज करते हैं, तो वो हर तरह की न्यूज़
अपडेट तो रहती ही है, लेकिन उस इवेंट की कवरेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अगर किसी विदेश यात्रा पे किसी कार्यक्रम से संबंधित जाते हैं तो वे उसको भी बहुत अच्छे से कवर करते हैं और उसको बताते हैं, तो अपडेट तो रहती है हमारे। और इस क्षेत्र में भी हमारा दूरदर्शन काफ़ी अच्छा कार्य करता है और प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूरदर्शन ना देखना चाहें, हम सभी देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल मैम, टेलीविज़न में बहुत सारे प्रयोग किए गए, तकनीक, कंटेंट, प्रोडक्शन, ग्राफिक एनिमेशन भी जोड़ा गया समय के अनुसार। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या टेलीविज़न रूरल अर्बन जो ग्रामीण शहरी विभाजन है उस कमी को, उस विभाजन को कम कर पा रहा है? हाँ बेशक, बहुत सारे सीरियल्स ऐसे बनते हैं जिसमें कि जो ग्रामीण और शहर का ग्रामीण क्षेत्र का बालक है वो शहर में जाता है। और अभी मैंने एक और भी सीरियल देखा था, उसमें था कि एक शहर में पढ़ा हुआ था लड़का और वो IAS की तैयारी कर रहा था, उसी बीच उसकी जॉब लग गई तो वो गांव में पंचायत में चला गया। तो इस तरह से तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शहर का बच्चा है तो वो गाँव में जा कर के उसको कोप अप ना करे या उनके साथ में मिसबिहेव करे, या गाँव का बच्चा अगर शहर में जाता है तो उसको कोई सपोर्ट ना करे, सभी सपोर्ट करते हैं। तो इससे एक हमारा मिक्स कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट भी होता है, एक अपनेपन की भावना भी आती है और एक विश्वास भी बनता है कि शहर का बच्चा जो है गांव में जाकर के भी रह सकता है और गांव का बच्चा शहर में जाकर के भी अपनी पढ़ाई कर सकता है, तो ये एक विश्वास भी बनता है। जी बिल्कुल मैम, आज की परिचर्चा में हमने टेलीविज़न के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज के समय में टेलीविज़न में किस प्रकार के कंटेंट, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न के भूमिका के बारे में जाना। इसके साथ ही हमने जाना कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में टेलीविज़न से संबंधित किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद मैम, आपने टेलीविज़न से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके साथ साझा की। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में और मुझे मेरे विचार रखने का एक मौका मिला। जी मैम, आगे धन्यवाद।